ये हैं कुमायूं के लोक संगीतकार, लोक कलाकार जो कि पारंपरिक कलवाली और कुमायूं ने नृत्य करते लोगों का मनोरंजन करते हैं। साथ ही साथ में इन्होंने अपने इस नृत्य और इस संगीत के माध्यम से कुमायूं और गढ़वाल की परंपराओं को जारी रखा है और उनको बनाए रखा है। दूर दूर तक ये अपने कार्यक्रम करने जाते हैं जो कि लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात इन कलाकारों के साथ ही साथ उनसे भी कराएंगे जो इन कलाकारों को इस लायक बनाते हैं कि वो लोगों को अपने इस पारंपरिक नृत्य से, पारंपरिक वाद्य यंत्रों से मनोरंजन कर सकें और कुमायूं गढ़वाल की परंपरा को जीवित रख सकें। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन लोगों से जो इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इंडिया स्पीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में जो है राजेंद्र मेहता जी हैं, जो यहाँ के जो है कुमाऊं के जो है कल्चर प्रोग्राम करते हैं और सूचना मंत्रालय के तहत रजिस्टर्ड है। जानते हैं ये किस टाइप से बच्चों को ट्रेनिंग कर देते हैं, आगे का क्या उद्देश्य रहता है कल्चर प्रोग्राम को जिंदा रखने के? हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि गांव-गांव में जाकर के स्वच्छता के बारे में लोगों के गांव-गांव में जाके सूचना विभाग से हमें हर एक गांव दिया जाता है, उस गांव में जाकर के हमको सारे गांव वालों को सिखाना पड़ता है कि स्वच्छ आप कैसे रह सकते हैं और कैसी बीमारी से आप बच सकते हैं। तो आपके साथ में जैसे ये बच्चे लोग हैं डांस के माध्यम से आप करते हो और जैसे नए बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या? उनके लिए भी हमारे पास में एक स्टूडियो बना हुआ है खटीमा में, जो भी कलाकार वहाँ आकर के अगर सीखना चाहता है तो उनको हम अपनी तरफ से सिखाते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम में बच्चे सूचना मंत्रालय की तरफ से आप लोग आए हैं तो इस कार्यक्रम में कुछ इन बच्चों को मेहनताना भी मिलेगा क्या? नहीं, ये सूचना विभाग से हमको इनका मानदेय के तौर पर कुछ पैसे मिलते हैं जो हम सारे बच्चों को बांट देते हैं। अच्छा, लगभग आपके पास इस समय कितने स्टूडेंट होंगे और ये जो आपका कुमाऊं कल्चर है इसको आप कुमाऊं के बाहर भी क्या लेके जाते हैं? नहीं, अभी ऐसा है, आज मेरा यहाँ पर कुमाऊं में, अभी मेरे को 20 तारीख को बम्बई जाना है, यही अपना कुमाऊं का कल्चर ले जाके बम्बई जाना है जो कि मेरा 3 दिन का प्रोग्राम बम्बई में है। अच्छा, क्या नाम है आप? नरेंद्र। नरेंद्र जी, आप ये क्या चीज बजाते हो? ये दमाऊं। क्या बोलते हैं? दमाऊं बोलते हैं। दमाऊं, तो आप जरा हमें बजा के दिखाई। क्या नाम है आपका? मेरे नरेश राम। आप ये क्या चीज बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? जी, इसको नंगरा बोलते हैं, बड़ा इष्ट का देवता का नंगरा है ये। अच्छा, हाँ, तो इसे बजा के दिखाइए। क्या नाम है आप? अच्छा, ये जो ड्रेस आपने पहनी है इसका क्या मतलब है? आप लोग जो ये तलवार लेके जो डांस करते हैं इसका क्या संदेश जाता है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मतलब ऐसा है कि इसमें ये छलिया ड्रेस हुई है, ठीक है, और इसे आदमी मतलब कोई छुपा हुआ कोई शादी हादी में और कोई चीज़ भी इसमें मतलब ये चीज़ें चल रही है। क्या नाम है आप? पूजा। आप ये जो डांस कर रहे हो आपको लगभग कितना समय हो गया सीखते हुए? 5 साल। 5 साल। कहाँ कहाँ आपने जो कुमाऊं का जो है ये प्रोग्राम करा? सभी कुमाऊं मंडल में सभी जगह गए हम, गढ़वाल में अभी गए थे एक बार। अच्छा, तो सबसे बढ़िया अनुभव कहाँ पे आपको रहा? हमें गढ़वाल में ही मजा आया था। गढ़वाल में आया था? गढ़वाल तो बहुत बड़ी जगह है, तो कौन सा शहर में गढ़वाल? गढ़वाल चमोली पीपलकोटी। अच्छा, आपका क्या नाम? रत्ना। अच्छा, आपको कितने वर्ष हो गए इस डांस को सीखते? 5 साल। 5 साल हो गए, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ अच्छा लगा? यही गढ़वाल पीपलकोटी। अच्छा, कुमाऊं में कहीं नहीं लगा आपको, जबकि रहने वाले आप कुमाऊं में? ऐसा क्या यहाँ पे आप लोग को क्या पसंद नहीं करा जाता है, गढ़वाल में ज्यादा पसंद करा? नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सब जगह पसंद आया, पर जबकि मुझे ज्यादा पसंद हमें गढ़वाल में आया।